शिक्षक दिवस के अवसर पर श्री चतुर्भुज मेमोरियल फाउंडेशन के तत्वावधान में शिक्षक सम्मान समारोह का आयोजन बालोद में किया गया। साथ ही समाज हित में बढ़ चढ़कर कार्य करने हेतु सामाजिक संस्था सहयोग एक प्रयास का अनावरण भी किया गया। यह मुख्य रूप से आरडी दास, एडी दास, जगदीश देशमुख, एचएन सिंह शामिल रहे। वह चतुर्भुज मेमोरियल फाउंडेशन के संस्थापक अरुण श्रीवास्तव ने भी उपस्थिति दर्ज कराई। गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपनो गोविंद दियो बताए। जी हाँ, शिक्षक का स्थान हम सब के जीवन में सबसे आगे है। शिक्षकों के सम्मान में प्रतिवर्ष शिक्षक दिवस के रूप में मनाया भी जाता है। पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्म दिवस को शिक्षक दिवस के रूप में मनाने की परंपरा वर्षों से चली आ रही है। 5 सितंबर, जी हाँ, इस दिन विशेष पर शिक्षकों के सम्मान में अनेकों आयोजन किए भी जाते रहे हैं। इसी कड़ी में बालोद के महादेव भवन में शिक्षक सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। सामाजिक संस्था सहयोग एक प्रयास का शुभारंभ भी विधिवत यहाँ पर अतिथियों के द्वारा किया गया। यह हम आपको बता दें कि श्री चतुर्भुज मेमोरियल फाउंडेशन सामाजिक उत्तरदायित्वों को पूरा करने हमेशा से तत्पर रहता है और संस्था के संस्थापक अरुण श्रीवास्तव, जिनकी जन्म भूमि भी बालोद है और कहीं न कहीं इनके दिल से जुड़े यादगार पल बालोद से जुड़े हुए हैं, इस हेतु अपने शिक्षकों का सम्मान करते हुए इस आयोजन को पूरी भव्यता से संस्थापक अरुण श्रीवास्तव ने करवाया। यह मुख्य अतिथि आरडी दास, एचएन सिंह, जगदीश देशमुख व एडी दास रहे। सर्वप्रथम अतिथियों का सम्मान पुष्प गुच्छ भेंट कर किया गया। वही बारी बारी सम्मानित शिक्षकों का सम्मान संस्था के सदस्यों ने शॉल, श्रीफल व मोमेंटो देकर किया। परिश्रम संस्था का विकास होता है और जीवन के सभी सुख शांति का विकास। सुबह उठता हूँ, शाम लिखता हूँ, स्वीकार कीजिए यह अभिनंदन का समय और अवसर आया है। और बाकी है एक सबने घर जैसा कोई स्कूल नहीं और एक भद्र अभिभावक जैसा कोई शिक्षक नहीं। लेकिन माननीय सांसद का जो योगदान है और बच्चों को लेकर हॉस्टल में सम्मानित शिक्षकों ने भी चतुर्भुज मेमोरियल फाउंडेशन के प्रयासों की सराहना दिल से की व अपने अनुभवों को लोगों के बीच में साझा किया। सालों से जाने के बाद हमने जिन समस्याओं को अपने निजी जीवन में एक विद्यार्थी के रूप में देखा, हम ये नहीं चाहते कि ऐसी कोई समस्या किसी विद्यार्थी को हो और आए, खासतौर से जो बालोद जिले की ग्रामीण पृष्ठभूमि से जुड़े हैं। मेरे लिए बालोद एक गांव का नाम नहीं, शहर का नाम नहीं, जिला का नाम नहीं, ये प्रतीकात्मक नाम है जहाँ मैं बच्चों को देखता हूँ। जब हम 2002 में यूपीएससी का एक प्रिपरेशन के लिए दिल्ली गए तो दिल्ली के यूनिवर्सिटी के बच्चे हमसे पूछते थे कि आप दिल्ली से आए हैं, आप छत्तीसगढ़ से आए हैं, उनका पहला जवाब आता था आप एमपी से आए हैं क्या? हम बोलते थे नहीं भाई, हम एमपी से नहीं आए, हम छत्तीसगढ़ से आए हैं। तो उनका दूसरा जवाब आता था आप नक्सली प्रदेश से आए हैं क्या? तो हम बोलते थे नहीं, हम नक्सली प्रदेश से भी नहीं आए, हम बालोद जिले से आए हैं। अपने आप में जिनके ऊर्जा से, जिनके तप से, जिनके स्वाध्याय से, जिनके अध्ययन से, जिनकी मनीषा से, जिनकी चेतना से अनेक अनेक विद्यार्थियों को एक शिक्षिका बनाकर तैयार कर भारत माँ के चरणों में अर्पित करने वाले 155 शिक्षा शिक्षिकाओं की स्मृति से सादर प्रणाम कर रहा हूँ। जब भारत की धरती ने एक नई शिक्षा पद्धति का अन्वेषण किया है, जब भी चाहे वो 1968 का हो या 1986 का हो, चाहे 1992 का हो या अभी अभी, बहुत ही प्रेरणा कि हम सब इस बात को पूरा याद कर रहे हैं जो एक शिक्षा के जीवन में बहुत मुश्किल से आता है और शायद रोजा पर होता है। इस पर सहने का काम हमने किया है और बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं। बहुत अच्छा, सबसे जो
होते हुए जब भी शिक्षा को याद किया जाता है। श्री चतुर्भुज मेमोरियल फाउंडेशन के संस्थापक अरुण श्रीवास्तव व सहयोग एक प्रयास की सदस्या ने मीडिया के समक्ष इस प्रकार की जानकारी दी है। श्री चतुर्भुज मेमोरियल फाउंडेशन अपने सामाजिक उत्तरदायित्व के लिए कर्तव्यनिष्ठ है। चूँकि मेरी जन्मभूमि और प्रारंभिक शिक्षा बालों में हुई थी, अतः हमने यहाँ पर वरिष्ठ जन शिक्षक सम्मेलन का आयोजन किया था। सम्मान किया गया कौन कौन से दर्शक? यहाँ हमने एक शिक्षक और गुरु की परंपरा को तारतम्य बनाने के लिए 1998 बैच के जो हमारे विद्यार्थी थे, जो हम बैचमेट थे, हमने आदरणीय अपने DS देशमुख, श्री उमेश देशमुख, श्री सुदीप साहू सर, श्री BM वर्मा सर जैसे अनेक वरिष्ठ जन शिक्षकों का, उनके संख्या लगभग 30 के आसपास, उनका सम्मान किया, उनसे आशीर्वाद लिया। और एक संस्था का भी जिस तरह से मेमोरियल फाउंडेशन दुर्ग जिले में अपना आधिपत्य कर रही है, कार्य कर रही है समाज सेवा का, उसी तरह अब बालक के लिए हमने एक सामाजिक संस्था का शुरुआत किया है जिसका नाम है सहयोग एक प्रयास। निश्चित रूप से यह संस्था बालोद के 1998 के बैच के मार्गदर्शन में चलेगी और इसके साथ साथ आने वाले समय में आप देखिएगा बालोद को एक एडमिनिस्ट्रेटिव राजधानी के रूप में हम बनाने के लिए निश्चित रूप से सफल होंगे, यह हमारा विश्वास है। सहयोग एक प्रयास, ये एक हमारा 98 के बैच के द्वारा एक नया फाउंडेशन का लॉन्च किया गया है। इसमें हम सब मिलके सब कार्य करेंगे और उसको जिस तरीके से चतुर्भुज मेमोरियल का नाम आज दुर्ग जिले में पूरा प्रसिद्ध है, कि उसी तरह इस संस्था का भी नाम हम अपने पूरे कोशिशों के द्वारा बालोद के जिला में बिल्कुल इसी प्रसिद्धि प्राप्त करेंगे। धन्यवाद। नहीं बिल्कुल, ये तो एक शुरुआत है, आप आगे आगे देखिए हम इसको कहाँ किस ऊंचाई तक पहुँचाते हैं। जिस तरीके से अरुण श्रीवास्तव ने आज अपना चतुर्भुज मेमोरियल का नाम जिस ऊंचाई में पहुँचाया है, उनके सहयोग से हम इस सहयोग एक प्रयास का भी नाम ऊंचाइयों तक पहुँचाएंगे। सभी जिलों में हमारा प्रयास लग रहा है। सामाजिक उत्तरदायित्वों को पूरा करने में सदैव अग्रसर संस्था श्री चतुर्भुज मेमोरियल फाउंडेशन द्वारा आयोजित शिक्षकों के सम्मान में बालोद क्षेत्र के गणमान्य नागरिकों की उपस्थिति भी दर्ज की गई। संस्थापक अरुण श्रीवास्तव के बैचमेट के लोगों ने एकजुटता का परिचय देते हुए सामाजिक संस्था सहयोग एक प्रयास की शुरुआत एकजुटता से की है। जल्द ही ये संस्था प्रदेश भर में सामाजिक दायित्वों को पूरा करने में अग्रसर होगी। ग्रैंड एशियन न्यूज़ के लिए शाहीन खान की रिपोर्ट।